गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेटा, कंपनीज के टाइप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेटा प्राइवेट कंपनी, एक होता है बेटा पब्लिक कंपनी। पहले मैं आपको बेटा प्राइवेट कंपनी के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको बेटा पब्लिक कंपनी के बारे में बताऊंगी। प्राइवेट कंपनी क्या है बेटा? इट रेफर्स टू अ कंपनी हूज शेयर कैन नॉट बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। बेटा, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स को हम आम लोगों को नहीं बेच सकते। इसका मतलब जिसके शेयर्स के बिकने पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है, वो कंपनी जो है एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स को आम लोगों को बेचा नहीं जा सकता। तो ये प्राइवेट कंपनी का मीनिंग था। उसके बाद बेटा, प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स विच बाय ऑफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 एक प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या क्या कहता है। पहला पॉइंट है, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर्स इफ देयर इज एनी। बेटा, प्राइवेट कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके पास अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने का कोई भी राइट नहीं होता। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है, उसके ऊपर बैन लगा हुआ होता है, पाबंदी लगी हुई होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स बिटवीन 2 to 200। बेटा, एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स पे भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मिनिमम मेंबर इसके 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर इसके 200 होते हैं। द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग मेंबर्स। कुछ मेंबर्स को इनकी काउंटिंग के अंदर काउंट नहीं किया जाता। वो कौन कौन से मेंबर हैं जिन्हें इस काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाता? पहला, हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉई एंड आल्सो द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो आज तो प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो लोग कंपनी के मेंबर में भी रोल प्ले करते हैं। आज प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं और कंपनी के मेंबर में भी रोल प्ले करते हैं, उन्हें जो है इन काउंटिंग में 2 to 200 वाली काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाता। दूसरा, किन्हें काउंट नहीं किया जाता? दोज पीपल हु वर प्रीवियसली द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, जो पहले कंपनी के एम्प्लॉई थे, एज वेल एज इट्स मेंबर। वो मेंबर भी थे बट नाउ आर नो लॉन्गर इट्स एम्प्लॉई, जो आज एम्प्लॉई नहीं है बट कॉन्टिन्यू टू बी इट्स मेंबर, लेकिन मेंबर के रूप में वो आज भी अपना कॉन्टिन्यूस लेवल बनाए हुए हैं। तो ऐसे मेंबर्स को भी 2 to 200 वाली काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाता। तीसरा, पुट अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर। बेटा, प्राइवेट कंपनी पे एक बैन लगा हुआ होता है कि इसके जो लोग हैं वो शेयर्स और डिबेंचर की सब्सक्रिप्शन के लिए भी इन पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। फिर से सुन लीजिए, प्राइवेट कंपनी पे एक बैन क्या लगा हुआ होता है कि ये शेयर्स और डिबेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए भी आम लोगों को,
पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी वाले। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट। बेटा प्राइवेट कंपनी पे एक और भी बैन लगा हुआ होता है। क्या बैन लगा हुआ होता है कि पब्लिक डिपॉजिट को भी सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक डिपॉजिट को भी सब्सक्राइब करने के लिए ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी बैन लगा हुआ होता है। उसके बाद बेटा पांचवी क्वालिटी इसकी क्या है, मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1,00,000 रुपीज। इनकी बेटा पेड अप कैपिटल जो मिनिमम लेवल की है वो 1,00,000 तक की होनी जरूरी है। अब ये जो 1,00,000 तक रुपए की जो प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल मैंने बताई है, दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब 1,00,000 का है लेकिन टाइमली जो है पेड अप कैपिटल में टाइमली चेंज भी हो सकता है, तो चेंज होगा तो चेंज के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एक प्राइवेट कंपनी की 1,00,000 रुपए होती है। उसके बाद बेटा सेकंड हमारी कंपनी है पब्लिक कंपनी। बेटा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी से जस्ट बिल्कुल ओपोजिट चलती है। कैसे, इसका मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू अ कंपनी हूज शेयर कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स को बेटा जनरल पब्लिक जो है अपनी मर्जी से बिल्कुल स्वतंत्रता से ये आम लोगों को बेच भी सकते हैं और आम लोग इन्हें फ्रीली खरीद भी सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो बैन लगा हुआ था कि वो ऐसा काम नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती फ्रीली, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को स्वतंत्र तरीके से आम लोगों को खरीदने और बिकवाने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है। इसका मतलब आम लोग इसके शेयर को खरीद भी सकते हैं और इसके शेयर्स को बेच भी सकते हैं। तो ये क्या है, इट रेफर्स टू अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी हू शेयर कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड, जिसके शेयर को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। ये काम मेंबर्स करेंगे और किन को करेंगे, आम लोगों को, जनरल पब्लिक को करेंगे। उसके बाद बेटा एक पब्लिक कंपनी पे हमारा जो कंपनी लॉ जो है 2013 जो है उसका सेक्शन 2 और सब सेक्शन 71 अप्लाई होता है पब्लिक पे। प्राइवेट पे मैंने बताया था सेक्शन तो 2 था लेकिन सब सेक्शन वहाँ 68 था, यहाँ सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 71 है। इसके अकॉर्डिंग जो है पब्लिक कंपनी की कुछ हमें फॉर्मेलिटीज़ बताऊंगी मैं, जो पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं। पहला, हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर। बेटा एक पब्लिक कंपनी पे किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये अपने शेयर्स को इजीली लेवल पे ट्रांसफ़र कर सकती है, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती, इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगी होती। उसके बाद हैज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, इसके मेंबर्स के मैक्सिमम लिमिट पे भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती। जैसे बेटा प्राइवेट कंपनी में मैंने बताया था मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, इसमें बेटा मिनिमम मेंबर जो हैं, मिनिमम मेंबर तो इसमें 7 होते हैं लेकिन मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं होती। कितने भी मेंबर मैक्सिमम लेवल पे एक पब्लिक कंपनी में मेंबर बन सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर जो हैं वो कितने होते हैं, 7, लेकिन मैक्सिमम पे
किसी भी तरीके की कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं होती। उसके बाद थर्ड पॉइंट, हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर। बेटा, शेयर्स और डिबेंचर के सब्सक्रिप्शन पे आम लोगों को इनवाइट भी यदि करना है पब्लिक कंपनी ने, तो इसके ऊपर भी किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर से सुन लीजिए, एक पब्लिक कंपनी आम लोगों को शेयर और डिबेंचर यदि सब्सक्राइब करना चाहती है तो इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जबकि एक प्राइवेट कंपनी पे शेयर्स और डिबेंचर को सब्सक्राइब करने पे रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन पब्लिक पे किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट। बेटा, पब्लिक के डिपॉजिट पे भी आम लोगों को यदि इनवाइट करना है तो एक पब्लिक कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जबकि प्राइवेट में पब्लिक डिपॉजिट्स को भी सब्सक्राइब करने पे, आम लोगों को इनवाइट करने पे रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन पब्लिक में यहाँ पर भी किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट को सब्सक्राइब करने के लिए आम लोगों को इनवाइट करना है तो हम इनवाइट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है, मिनिमम पेड अप कैपिटल, और वो भी शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी की कितनी होती है, ऑफ ₹5 लाख। दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर बेटा एक पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है ₹5 लाख तक होती है। इसमें भी बेटा यदि टाइमली कुछ चेंज करना हो तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन मिनिमम पेड अप कैपिटल एक पब्लिक कंपनी की 5 लाख होती है, और पीछे मैंने प्राइवेट कंपनी की बताई थी ₹1 लाख जो टाइमली चेंज हो सकती है। बेटा, अब आपको कुछ जो है प्राइवेट कंपनियों के नाम पता होने चाहिए और कुछ पब्लिक कंपनी के नाम पता होने चाहिए। आपकी बुक के अकॉर्डिंग बेटा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट के मैं कुछ नाम बताऊंगी। प्राइवेट कंपनी के नामों में ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये हमारे कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के नाम है प्राइवेट सेक्टर की इंडिया के। ऐसे ही बेटा पब्लिक कंपनी में भी कुछ कंपनी के नाम है, जैसे एक्सिस बैंक हो सकता है, बजाज ऑटो हो सकता है, उसके बाद बेटा कैनरा बैंक आ सकता है, उसके बाद बेटा HDFC बैंक हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, अपोलो हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। ये कुछ बेटा प्राइवेट लेवल की, सॉरी पब्लिक लेवल की कंपनीज थी जो इंडिया में है। तो आपको बेटा कुछ कंपनीज के नाम भी पता होने चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की कौन सी हैं और पब्लिक की कौन सी हैं।